ये वाला क्वेश्चन है कि ये जो प्राइस एक कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में था, मॉर्निंग के अंदर निफ्टी प्री ओपन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा था ना प्री ओपन के अंदर, एंड इंटरनेशनल मार्केट थी गैप डाउन ओपनिंग थे, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद दो ही चीजें होती हैं, ठीक है, कि मान लीजिए प्री ओपन में आपका ऐसे रेड दिखा रहा है, ठीक है, कैंडल तो नहीं बनी होती उस टाइम, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, प्राइस प्रीवियस डे मान लीजिए यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, आवाज आ रही सभी को, ठीक है। यस सर तो इसके बाद दो ही, सर इसके बाद दो ही चीजें होंगी, तीसरी तो होगी नहीं, या तो एक रेड कैंडल बनेगी, है ना, या तो एक रेड कैंडल बनेगी, या फिर क्या होगा, क्या होगा, ग्रीन बनेगी ऐसे ऊपर की साइड ओपनिंग के बाद, ऐसे ही है। अगले 15 मिनट के, अगले 1.5 घंटे 2 घंटे के, ठीक है। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटीज है क्या, कहने सिंपल सी बात है, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार, यही है ना, बोलिए आप साथ में ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं, ठीक यस सर है, यस सर ऐसे ही होगा। बट क्वेश्चन ये है कि किस साइड होगा, ठीक है, ये बात मैं सबको पहले ही बता चुका हूं, जो मेरे वीडियो से अपने एक एक पॉइंट नोट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी लर्निंग है। जब मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड में हो, पॉजिटिव ट्रेंड, ठीक है, मार्केट हो, ठीक है, तो पॉजिटिव अप ट्रेंड ऐसे होता है हायर हाई, ठीक है, और जब मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में हो तो मार्केट ऐसे लोअर लो बनाता है, क्लियर है। यस सर तो जी सर रिटेल ट्रेडर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है, वो कभी कभी मिलती है। अगर मार्केट आपका पॉजिटिव अप ट्रेंड में है, तो ऐसे चल रहा है पॉजिटिव अप ट्रेंड में, प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे आई, सपोज करते हैं यहाँ पे, अगले दिन ओपनिंग यहाँ पे हो रही है कुछ न्यूज की वजह से या इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, ठीक है, तो उस कंडीशंस में मार्केट इमीडिएटली जो गैप डाउन होते हो ना, अगले 15-20 मिनट में पूरा रिकवर कर जाएगा मार्केट, चाहे बेसिक निफ्टी 500 पॉइंट गैप डाउन क्यों ना खुलाओ, समझ में आया। गिरना होगा तो पहले अपनी, फिर गिरना होगा तो पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ये मार्केट का नेचर है, मार्केट का बिहेवियर है। अभी बेस्ट टाइम फ्रेम क्या ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये समझ में आया कि ट्रेंड क्या कहता है, ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है और गैप डाउन ओपनिंग होगी तो रिटेल ट्रेडर के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। अगर ट्रेंड इज नेगेटिव, ठीक है, और प्राइस में गलती से गैप अप ओपनिंग होगी इंटरनेशनल कुछ अच्छी न्यूज की वजह से, और ट्रेंड नेगेटिव है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिटेल ट्रेडर की। इंस्टीट्यूशनल तो खैर बहुत बड़ा ऑर्डर डालेंगे और प्राइस 90 डिग्री से नीचे जाएगा, समझ में आया। तो इसका रीजन यही है, बिकॉज ऑफ प्राइस जो है, आप डेली टाइम फ्रेम में देखिए, यहाँ पे सारा डिलीट कर देता हूं, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में क्या, कौन सा ट्रेंड है, एक कौन सा है, अप ट्रेंड अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड है, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको डिस्कस भी करी थी कि निफ्टी जाएगा पहले 18,500 और 19,000, ये आपको मैं पहले, और रेगुलरली एक हफ्ते से सारे निफ्टी के ट्रेड बता रहा हूँ, कि कॉल ही कॉल बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मार्केट हर डिप में तो बाई बन रहा है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड है, कहने का मतलब मार्केट का सिनेरियो शिफ्ट हुआ कि रन पुल बैक रन, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, जी सर ऐसे चल रहा है। तो आज इंटरनेशनल न्यूज की वजह से क्या हुआ, मार्केट गलती से गैप डाउन खुल डाउन गया, गैप डाउन खुल गया ना, यहां जी खुला गैप डाउन, और गैप डाउन खुला जी तो ये चैनल का मिडिल पॉइंट था, कहने का मतलब ये पहले ही अपने आप में दिखा चुका था, ये जो प्राइस है ना, ये पहले अपने आप में दिखा चुका था कि ये T3 है, T3 का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो यहां पे डिमांड में खुला, और खुलते के साथ ही पहले 15 मिनट के कैंडल में कितना मूव आया देख लीजिए, 18,365 से हाई 522, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ज्यादा के 15 मिनट के अंदर मूव आया। मैंने प्री ओपन के अंदर, मैंने स्क्रीनशॉट भी बहुत भेजा था सबको, प्री ओपन के अंदर कॉल बाई करी थी, जितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई उतनी होगी शायद, मेरे ख्याल से कितने 3600 ऑर्डर डाला था, तो 2500 एग्जीक्यूट हुई, तो बाकी पेंडिंग होगी थी, ठीक, क्योंकि प्राइस जंप कर गया था उस टाइम, कर जाता है, क्लियर है, यस सर समझ जी में आ रहा है, सर ठीक है। तो गैप अप गैप डाउन के बाद प्राइस, कहने का मतलब मान लीजिए ये
यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो प्राइस वन वे नीचे जाएगा या फिर पूरा ऊपर जाएगा, इट इज डिपेंड ऑन ट्रेंड ओनली। ट्रेंड स्ट्रक्चर पॉजिटिव है गैप डाउन ओपनिंग को, इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग। अगर ट्रेंड नेगेटिव है और प्राइस गैप अप हो गया, ठीक है गैप अप हो गया, तो सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी, ये रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी मिलती है मिस नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना, बहुत रेयर मिलती है। हाँ ट्रेंड पॉजिटिव और प्राइस के अंदर गैप अप ओपनिंग होगी, नेवर बाई। ट्रेंड नेगेटिव है प्राइस गैप डाउन ओपनिंग, नेवर सेल। जब तक कोई अच्छा प्राइस एक्शन ना दिखे या फिर प्राइस ऊपर जाए अच्छा प्राइस एक्शन ना हो या फिर प्राइस नीचे अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी। कहने का मतलब प्राइस जो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अच्छे लेवल पे की जोन्स के अंदर बाई या सेल करना ही ट्रेडिंग है, बाकी सब नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेडिंग करना गैम्बलिंग है। समझ में आया? ठीक है यस सर। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग की बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है? 15 मिनट। 15 मिनट के जोन के हिसाब से देखना है, ठीक है। 5 मिनट के वो एंट्री के हिसाब से फॉलो बाइंग फॉलो सेलिंग लेना है, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। 15 मिनट के टाइम के हिसाब से देखना है, बट ओवरऑल इंट्राडे ट्रेडिंग का सीक्रेट मैं आपको बताऊँ टाइम फ्रेम कि आपको जब इक्विटी में काम कर रहे हो तो आपको 3 टाइम फ्रेम को कॉमनली देखना है। कौन से को? कंटिन्यूअसली। एक आपको डेली को देखना है, वीकली मंथली तो देखना है, बट एक शॉर्टकट तरीका बताओ, डेली टाइम फ्रेम को देखना है, डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखना है, डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देखनी है, उसकी वीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेली 125 मिनट एंड 15 मिनट आप कंप्लीटली एनालिसिस करके रखिए, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में ट्रेड ले लीजिए, आपके ट्रेड क्यों करेंगे कोई इश्यू नहीं है। सीखने के बाद नहीं सीखेंगे तो इन सब करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। आधी दूरी एजुकेशन नॉलेज किसी काम की नहीं होती। समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है।